बाबा नसीब हुए थे कि सुबह शाम अल्लाह का जिक्र हो रहा होता है, रसूलुल्लाह की शान बयान की जा रही होती है, न सिर्फ ये बल्कि नमाज हो रही होती है, अमल का दर्ज दिया जा रहा होता है, दर्श दिया जा रहा होता है, कुरान और हदीस का नूर आप तक पहुंचाया जा रहा होता है। याद रखिएगा इन लम्हात की कदर आपको तब आएगी जब आप कब्र में जाएंगे, जब मैदान मेहशर में जब उठोगे तब आपको इन लम्हात की कदर आएगी, इन लम्हात की कदर आएगी जो आप यहाँ हमारे शेख बानो के साथ अल्लाह उसके रसूल के जिक्र में गुजारते हैं। जैसे दो मजारी के इशारा फरमाया, जो आप हमारे शेख के इशारा फरमाते हैं कि एक शख्स था उसने एक जगह हीरों की तहरी पाई, उसने समझा कि ये सिर्फ चमकता हुआ पत्थर है, ये कांच है। घर जाता था उनके साथ खेलता खेलता घर चला गया, एक उठा के यहाँ फेंका, एक उठा के वहां फेंका, एक यहाँ फेंका, एक वहां फेंका, ये खेल खेलता हुआ घर चला गया। वो एक उसके पास रह गया हीरा जिसको वो कांच समझ रहा था। घर पहुंचा तो उसका जोर शना जो हीरो को पहचानने वाला शख्स था, उसका दोस्त था, वो उससे मिलने आया, उसने वो उठाया, उसने कहा कि किस कदर ये तुम्हारे पास ये हीरा कहां से आया है, मैं ये खरीदना चाहता हूं। हाँ उसने कहा कि तुम इसको क्या खरीदो, इस कांच को तुम खरीदना चाहते हो, इसकी क्या कीमत है। उसने कहा कि इसकी कितनी कीमत है, इसको मैं अकेला नहीं खरीद पाऊंगा, मैं साथ कुछ उमरा मिलाऊंगा, कुछ अमीर लोग मिलाऊंगा जो मेरे साथ मिलकर इसको खरीदेंगे। वो शख्स रोना शुरू हो गया, वो शख्स रोना शुरू हो गया। उस दोस्त ने पूछा कि तू क्यों रो रहा है, तेरे पास इतना कीमती खजाना है जिसका तुझे इतना माल मिल रहा है, तू रो क्यों रहा है, तू रो क्यों रहा है। उसने कहा मैं रो इसलिए रहा हूं कि ये एक की इतनी कीमत मिल रही है तो मेरे पास तो इस जैसे बहुत सारे थे, इस जैसे बहुत सारे थे, पर मैंने जाया कर डाले, मैंने जाया कर डाले। इमाम गजाली इरशाद फरमाते हैं जब तुम कब्र में जाओगे तो जो वक्त तुमने रसूलुल्लाह के जिक्र में गुजारा है वो उस हीरे के बारे तुम्हारे सामने रखा जाएगा तो तुम रोगे कि मेरे पास तो ऐसे बहुत सारे लम्हात थे जो मैंने कारोबार के पीछे दुनिया के पीछे भागते हुए गुजार दिए, काश मैं वो लम्हात थी, काश मैं वो लम्हात थी अल्लाह उसके रसूल की याद में गुजारता। और आपका मुकद्दर ये है कि ऐसे शहर कामिल तशरीफ लाए हैं, ऐसे शहर कामिल तशरीफ लाए हैं कि यह जमाना सोबत बाहौलिया बेहतर सत साल आते बेरिया कि जैसे वलिया अल्लाह के साथ एक लम्हा भी गुजार लेना सौ साल की इबादत से बेहतर है। ये वलिया अल्लाह ने फरमाया है, ये बड़े बड़े वलिया अल्लाह ने फरमाया है, तो ज्यादा से ज्यादा हम अपने शहर कामिल के साथ इस खूबसूरत सफर में गुजारिए जो सफर आपको मदीना मुनव्वरा के और सरकार कुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के करीब लेने जाता है। हर जगह तशरीफ लाइए, इंशाल्लाह हर जगह नए मजमूआ रखे गए हैं इन्होंने जिनका इंतखाब किया है और सरकार अलैहिस्सलाम की उसके मुताबिक शान बयान की जाएगी। लेकिन 29 जुलाई को इंशाअल्लाह हजरत ख्वाजा खाजान हजरत लासानी रहमतुल्लाह जिनका नाम लिया है हबीबुल्लाह उस दिन इस नाम पे भी तस्करा करेंगे। किबला ख्वाजा अब्दुर्रहमान रहमतुल्लाह अलैह इस फरासत पर भी तस्करा करेंगे इंशाअल्लाह, इस नाम मुबारक पे भी तस्करा करेंगे। 29 जुलाई को जो हजरत किबला लासानी रहमतुल्लाह तआला अलैह के यौम मुबारक पर मिलाद मुस्तफा की महफिल का इनेकाद हुआ है जो यकीनन इस दौरे का मरकजी प्रोग्राम है, उसमें आप सब अहबाब जरूर तशरीफ लाए और उसकी हर संगी पर हर वफादार पर यह जिम्मेदारी बनती है कि उसमें भरपूर जो है वो साथ दे, इस तरह के अपने दोस्तों को अपने घर वालों को अजीजों को और बाकी संगियों को भी इतला कर के ज्यादा से ज्यादा काफिलों की सूरत में आए, काफिलों की सूरत में आए। हम सबको चाहिए कि जो काम कर रहा है उसके साथ चले और जो काम कर रहा है उसको चाहिए कि वो सबको खुले दिल से साथ लेके चले। अल्लाह करीम हम सबको सरकार को लाल का वफादार और नमक हलाल रहने की तौफीक दे।